हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप अब सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमने सुबह यहाँ से निकल जाना, लेकिन उठते ही मुझे एक शैतानी जरा ख्याल दिमाग में क्लिक हुआ, और वो कुछ इस तरह कि आज किसी के साथ जरा कोई प्रैंक श्रैंक करके जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा बंदा जो दिल का अच्छा हो, जो बुरा ना मनाए, ये ना हो कि ऐसी कोई बुरा शुरा मना जाए, फिर सीन थोड़ा सा बैड हो जाए। तो वो बंदा मेरे दिमाग में भी क्लिक हुआ। एक दो बंदे थे, लेकिन एक बंदा थोड़ा आस पास ही रहता है, वो है उस्मान भाई। जाने से पहले जरा उस्मान भाई को हम लोग तंग शंग कर जाए। ये बाकी सामान वगैरह सारा पैक हो गया, इधर अपार्टमेंट से चेकआउट मारते, एक्सरसाइज भी जाने, गुलबर्ग ग्रीन्स पहले चलते हैं, उस्मान भाई को पिक करते हैं। उनकी सिविक में आज गाड़ी चलाएंगे, उनकी सिविक फुल मॉडिफाइड, उन्होंने और भी बहुत सारी फीचर्स लगवा ली, वो भी आपको चल के दिखाता हूं। उनकी सिविक के साथ हम लोगों ने आज प्रैंक करने, जरा देखते हैं, सोचते हैं, रास्ते में सोचा जाऊंगा कि क्या करने, प्रैंक हो जो मर्जी हो, बस उनको तंग हमने करके लाजमी जाना, उनका रिएक्शन निकालेंगे हम लोग इसी तरह। बस इधर अपार्टमेंट को लॉक शॉक मारते हैं, ये सारा सीन करके चलते हैं नीचे, जी को स्टार्ट करते हैं। 5-10 मिनट लगेंगे उसको गरम शरम होने में। यार बढ़ गए भाई, ये ऊपर जा रही है। हैवान, ये किसी ने ना हर जगह बटन क्लिक किए हुए हैं। अंकल को आवाज आ गई होगी कि पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं। जी को बाहर निकाल लिया, इसका प्रेशर अभी बनेगा थोड़ी देर तक, 5-10 मिनट लगेंगे, उसके बाद इसको ऊपर उठाते हैं, फिर निकल सू। क्या हाल चाल है जी? ठीक हो? थैंक यू सो मच। आप सुना कैसे हैं? खैरियत से? कैसे हैं? ठीक ठाक है अंकल जी? जी पहचान रहे हैं आपको? नहीं अंकल जी, अभी नहीं पहचाना। मैंने तो पहचान रहा हूँ। आपने पहचान लिया? क्या बात है, कहाँ मिले थे आप? मुझे सच में नहीं याद। अरे फाइनली चेकआउट मार दिया, अब चल के जरा नाश्ता वाश्ता करते हैं। पहले तो चलते हैं उस्मान भाई के पास सीधा, उसके बाद इसके अंदर फ्यूल भी मुका हुआ। इस वक्त जो सबसे मेन मसला वो ये है कि इधर बैरियर टाउन में बेतहाशा स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, और ये भी एक सामने आ गया है। यहाँ से दिखाता हूँ क्या फटीक पड़ती है। रात के टाइम में निकलता हूँ तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन ना दिन में बड़ा, ये देखो अब पीछे भी गाड़ी, इधर भी गाड़ी, सामने से भी गाड़ी, लोगों के एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं। यारो प्लीज भैया, अब लगानी पड़ेगी नीचे। सॉरी ब्रो, सॉरी सॉरी। ये चेक करो पीछे, उस्मान भाई रोज नई नई गाड़ियों में आ रहे होते हैं, पता नहीं इनके क्या शौक है। आप पहचानते हैं? ये ले जी, आप ब्लॉग में भी आ देंगे। हाय, से हाय टू ब्लॉग। जी फाइनली हम लोग आ चुके हैं गुलबर्ग ग्रीन्स में, और वो एक भाई जा रहे हैं, उनने भाई हमें पता नहीं क्या क्या ऑफर गिरा दिए। ये चेक करो उस्मान भाई रोजाना नई नई गड्डियों में, क्या हाल चाल है? अच्छा इधर आओ ना उस्मान भाई, इधर सुना है सर कैसे है? ठीक है, बड़े टाइम बाद आप आए हैं। यार ये एक ऐसा बंदा है जिसकी हंसी में मुझे हंसी आती है। यार उस्मान भाई, अच्छा सुना है मैंने आज निकलना है लाहौर। नाश्ता तो नहीं किया होगा आपने ना? बहुत अच्छी बात है, साथ नाश्ता करते हैं। बड़ा अरसा हो गया मैंने चलाई नहीं है, तो उसमें आपने नए फीचर्स भी लगाए हैं, लाइट्स वगैरह लगाई हैं, इंटीरियर लाइट्स वगैरह, वो तो देखेंगे। नीचे खड़ी है, बेसमेंट में खड़ी, नीचे चले क्या कहते हैं, इसको यहीं पे पार्क कर देते हैं, उसके बाद एक्साइज ऑफिस चलेंगे, वहाँ पे चल के जी का कार्ड पकड़ने बस। तो ये पार्किंग एरिया यहाँ पे, वो लास्ट में कॉर्नर में खड़ी होती है इनकी गाड़ियाँ, मोस्टली इधर खड़ी होती है, खड़ी भी नहीं अभी, वो देखो वो सामने खड़ी हुई दोनों। अच्छा ये चीज चेक करो, पार्किंग एरिया सही है, इतनी बड़ी पार्किंग, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ गया है पार्क एट योर ओन रिस्क। आवाज एको हो रही है यहाँ पे। चलो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जो मेरे पास सिविक है ना, सबसे ज्यादा मुझे वही वाला मॉडल पसंद है, लेकिन ये जो ये सिविक आई थी ना, सबसे बकवास मुझे ये वाला मॉडल लगा था। लेकिन बात आती है यहाँ पे इसकी मॉडिफिकेशन की, इन्हें जिस तरह मॉडिफाई कराई है, वल्लाह अज़ीम पूरे पाकिस्तान में अगर मुझे किसी की गाड़ी पसंद है ना, तो वो ये उस्मान भाई की गाड़ी है। ना करो, 2 महीने पहले क्यों नहीं निकालते, दिल नहीं करता। ये देखो, ये इन चीजों की बात कर रहा था, ये इनके इंस्टाग्राम पे बस मैं देख रहा हूँ, ये चश्के वश्के मार रहे होते हैं, लेकिन ये रियल लाइफ में ना, यार अभी कलर चेंज होते हैं इसके, करो ना जरा चश्के दिखाओ मुझे, मैं चश्के देखने आया हूँ। चेक करें लाइट का कलर चेंज, नाइस यार। अच्छा बटन से हो रहा है यहाँ पे, ये क्या सीन है? से भी होता है बटन, आपने फिक्स? ये बटन इसका ओरिजिनल फिटिंग में आया, ये देखो तकरीबन 1.5 लाख की, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी जरा अब आप लोगों को मैं बताऊं, जरा मक्खन शक्कन लगाने का उस्मान भाई को मकसद क्या था, हम लोग उस्मान भाई की गाड़ी चोरी करेंगे, ठीक है? दिल नहीं करता आप गाड़ियों का।
रोजाना नई नई गाड़ियां पकड़ी होती, अपने दिल नहीं करता गाड़ियों का। तो यार यहाँ पे हवा भरवाने आए थे, हवा शवा यहाँ फुल हो गई। सरप्राइज कार को नहीं मिस कर रहे बहुत ज्यादा, इसलिए तो लाहौर जा रहा हूँ आज। A few moments later. अभी हम लोग एक साइज में पहुंच गए और यहाँ पे रश बहुत ज्यादा है। ये रही स्लिप, ये काउंटर पे देते हैं और उस्मान भाई दूर है अभी, जब तक वो आते हैं तब तक यहाँ पे वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पार्क करने की जगह बिल्कुल भी नहीं है, एक सिंगल स्पॉट भी नहीं है जहाँ पे गाड़ी पार्क हो सके। तो वो अब गए आगे की पार्क करके आएंगे। डिलीवरी ऑफ स्मार्ट कार्ड और रश चेक करो, बढ़ गए भाई। पिछले एक घंटे से हम लोग ख्वार हो रहे हैं एक्साइज के ऑफिस में, जितने 10 बंदे खड़े हुए थे सारे सारे अपने कार्ड लेके, मेरा कार्ड नहीं मिला, फिर मेरे आगे 10 बंदे और भी आ गए वो भी अपना कार्ड लेके। यहाँ से अंदर चलते हैं, देखते हैं खुद कार्ड उठाते हैं यहाँ से। यार बंदा बाहर खड़ा है, तू कहता पैसे देता मैं बाहर के खुद से हम लाते हैं, किनो दिए पैसे, किने किया किस टाइम तो मैं तेनु किया पैसे दा, तू मैं कह दे ले कार्ड बंद कर दो। जब तक आपके पास ओरिजिनल स्लिप है ना, हम आपके ताबे हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट आपके ताबे हैं, एक्साइज ऑफिस आप लोग से भी नहीं, आपको पता बात है, थोड़ा इस चीज में हमने जाना ही नहीं, वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। हेलो जी, अब राम साहब कैसे हो? अभी एक साइज के ऑफिस से निकल गए वापस बाहर और चलते हैं पहले नाश्ता करने। डरना मत दुनिया जब पूछे मुकरना मत, कसम से जुदा खाना खाने आए हैं, बस ये खाते हैं, उसके बाद फिर ये कि कार्ड हमें मिल चुका है। अभी उस्मान भाई बैग के अंदर खाना खा रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी से ठूस के आ गया, जितना गर्म था गर्म ही मैं खा गया। वो बिल्कुल सामने कॉर्नर पे बैठे हुए और अब होने लगा है उस्मान भाई के साथ एक क्रैंक वाला सीन। एसी वगैरह ऑन कर देते हैं, जी के अंदर पेट्रोल, यहाँ से बिल्कुल सीधा एक रास्ता जाता है, वहाँ पे जाके ना मैं इसको ले जाऊंगा, मैं कहूंगा कि उस्मान भाई तुम्हारी गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है, तो इसके ना कुछ मुझे सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह लेने अपने व्लॉग के लिए, उनको मैं भेजूंगा गाड़ी में फ्यूल वगैरह भरवाने के लिए जी के अंदर, वो चले जाएंगे। और जब वो वापस आएंगे तो उनकी कहानी डालेंगे, उनका रिएक्शन चेक करेंगे। मैं अपने मोबाइल वगैरह सारे जो है ना इसी गाड़ी में रख दूंगा, सिर्फ और सिर्फ ये व्लॉगिंग मेरे पास कैमरा होगा, बाकी जितने भी मोबाइल है सारे इधर ही रख दूंगा और गाड़ी को मैं किसी अंदर की साइड पर जाकर ना खड़ी कर दूँ। उस्मान भाई को मैं कहानी डालूंगा, बंदे आए हैं बाइक के ऊपर, मुझसे गाड़ी छीन गए, मुझे धक्के शक्के दिए, सही मेरे मोबाइल भी छीन गए, ये वाला जो मोबाइल है ये मेरा पॉकेट में पड़ा हुआ था बैग वाली पॉकेट में, नहीं तो उन्होंने जेब की तरह से, इस तरह की कहानी सनी डालेंगे, उनका रिएक्शन बस मुझे चेक करना, उसके बाद फिर मैं लाहौर के लिए निकलता हूं। आहा आ गई जी, आ गई। और इस मान में खाना चाना सी खा लिया आपने? चलो बस जी का फ्यूल आप फुल करवा लेना, बहुत प्यारी लग रही है ना आज, जरा इसको बिठा के इसके कुछ शॉट्स वॉट्स लेने, ठीक है? वो जगह नहीं है जहाँ पे हमने लास्ट टाइम फोटो शूट किया था, वहीं पे आ जाना, सही है? मैं उधर ही खड़ा हूँ। बाय बाय उस्मान भाई, You are gonna get pranked! गुलबर्ग में जब भी हम लोग निकलते हैं तो ये एक स्पॉट है, बिल्कुल सुनसान है, सही है, यहाँ पे इतना कोई रश वश भी नहीं होता, तो यहाँ पे आके हम लोग गाड़ियों का फोटो शूट वगैरह कर रहे होते हैं। ये जगह दिखाने का मकसद ये है कि हम लोग इस एरिया में बनाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये रोड नहीं है, हम लोग हमेशा उस रोड के उस पार खड़े होते हैं, थोड़ा आगे जाके कॉर्नर पे, सही है? जैसे ये वाली झाड़ी आपको नजर आ रही है, इसके पीछे मैं गाड़ी इस तरह खड़ी कर दूंगा कि पता ना चले कि नजर आ रही है, इसको बिठा देंगे हम लोग नीचे, जब बैठ जाएगी तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, वॉक करके वो वहां पे चला जाता हूं और वहां जाके मैं बैठ जाता हूं, लगाते हैं फिर शुगर को जरा सही तरह बिल्कुल इसके साथ इक्वल करके मैं जोड़ दूं, और बाकी मोबाइल वगैरह वेब सब कुछ मैं अपना यहाँ पे रख दूंगा ताकि बिल्कुल भी फेक ना लगे, उस्मान भाई को शक ना हो कि यार ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। हैंड ब्रेक एसी ऑफ कर देते हैं इसका, इसकी जो कीज हैं वो मैं कहीं और रख दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे चाहिए होंगी, ये ना बाद में मेरे से गाड़ी ना ओपन हो। गाड़ी को लॉक करके यहाँ पार्क कर दिया, मुझे वॉक करते हुए वो उस कॉर्नर में जाना है, वो कॉर्नर है जहाँ पे हम लोग करते हैं, और उस्मान भाई भी सीधा ही आएंगे, अब इतना भी शक नहीं पड़ेगा कि यार इस जगह भी आके खड़ी हुई है, क्योंकि उस रोड से अगर देखें इधर से देखें बिल्कुल नजर नहीं आती। अल्लाह करे मजे का रिएक्शन निकले, वल्लाही मेरे लाहौर का सफर मजे का हो जाए ना, याद करता हुआ जाऊंगा। बिल्कुल भी शक ना पड़े, इन कीज को जो है मैं यहाँ पे रख देता हूँ, बस ये जगह मैनू याद रहे इस तरह यहाँ पे। यार किन कामों में मैं पड़ गया होगा सबसे। अब ख्वारी का जो एक काम है वो है वेट करना, पेट्रोल डलवाने में वहाँ पे रश हो, पता नहीं क्या क्या सीन चल रहा होगा, फुल सेंटी और सैड होके मैं बैठ जाता हूँ इधर। A few moments later. 20 मिनट हो गए अभी तक वेट करूँ, उस्मान भाई आए नहीं, आवाज भी नहीं आ रही गाड़ी की। मोबाइल भी खींच के ले गए साइड के ऊपर आए, मैं इधर बैठा हुआ था इधर रिकॉर्ड कर रहा था सारी की सारी चीजें। यार मजाक तो नहीं कर रहे, सही बताओ क्या चाबियां? चाबी नहीं है,
बता रहा हूँ ना, सब कुछ खींच के लेके चले गए यार, ना करो सही तो। मैं आपको मजाक कर रहा हूँ। फखर को कॉल करता हूँ, 15 पे कॉल करता हूँ। गुलबर्ग की पुलिस है, गुलबर्ग की पुलिस का भी नंबर है मेरे पास, कोई है जानने वाला आपके पास, चेक करो ना। ये एक मोबाइल मेरे पास रह गया, देखो ये ऐसे कैसे, ये भी नीचे गिरा है, इसके ऊपर मिट्टी सारी। ऐसे यार नहीं हो सकता। काकू लेके गया था गाड़ी शूट करने के लिए, गए हैं लेके गाड़ी खींच के, उसका फोन भी ले गए, सारा कुछ ले गए, मेरा वॉलेट भी पकड़ के ले गए, सारी चीजें मेरे मोबाइल की। खैर है, गाड़ी किसी तरह टेस्ट करवा लो। गाड़ी अब कैसे टेस्ट करें? आप पहुंचे आप गुलबर्ग? ओके सर, हम लोग खड़े हुए थे सी ब्लॉक जी, जहाँ से बिल्कुल एंटर होते हैं ना, वहाँ कोने पे जहाँ भी प्लॉटिंग वगैरह हुई है, शूट वगैरह करने के लिए खड़े हुए हैं। पॉइंट पे गाड़ी भी ले गए हैं, फोन शोन सारा कुछ ले गए हैं। मैं तो अब आया हूँ, मतलब दोस्त खड़ा हुआ था, मैं अब आया हूँ। सर कुछ करें, कैमराज में देखें, मेरे ख्याल से अभी तक तो वो गुलबर्ग एग्जिट नहीं हुआ होगा। सर आपके पास मेरा नंबर आ गया है, उस पर मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ, जल्दी से आ जाएँ सर। इधर कहीं CCTV कैमरा वगैरह लगा हुआ तो चेक कर दें काइंडली, मेरी सारी जिंदगी की मेहनत सर, मेरी नई गाड़ी थी उस पे नंबर भी नहीं लगा हुआ था यार। रोक मैं क्या करूँ, तीन बंदे आए उस मामले देते यार, कहाँ से भगाता गाड़ी, रोक के मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। गाड़ी के अंदर ट्रैकर लगा हुआ था, गाड़ी के अंदर ट्रैकर, ओपन करो गाड़ी का ट्रैकर, ओपन करो। ये फोन जो है बैक पॉकेट में ना पड़ा होता, ये भी लोकेशन तो पास पास ट्रैकर ट्रैकर ऑन करो। पुलिस वालों को मना करो प्रैंक कर रहा हूँ भाईवान, उनको यार ना करो, कैंसिल। अल्लाह की कसम गाड़ी वहां खड़ी हुई है यार। ओए उसको मना करो, प्लीज पहुंचना चाहिए यहाँ पे भाईवान, मेरी सारी जिंदगी की मेहनत। गच्चा शुक्रिया सर। आपको क्या लगता है सब कुछ चोरी करके गए, ये फोन छोड़ देंगे? ये छोड़ देंगे? अच्छा उस्मान भाई ने पॉकेट भी चेक किया मैंने, अच्छा क्या चाबी मैंने पता कहाँ रखी है? आओ बंद करो गाड़ी, बंद करो, आपको दिखाता हूँ। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने चाबी कहाँ रखी थी, इसी किसी दरख के साथ रखी है। उस्मान भाई आप तो सीरियस हो जाते हो यार, जान निकाल दी थी मेरी जेब पे चेक करने लगे, मतलब आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है हैवान, आज से ये पता चल गया यार। नहीं मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, गुलबर्ग की सिक्योरिटी तो इतनी टाइट है। आई गेस ये देखो, आए ये जी आपने जाने निकाल, आए द ट्रू कार लवर, ट्रू कार लवर हैवान, मुझे किसी खाते में नहीं गिना, पेट्रोल से टोल डलवाए, पूछा ही नहीं आप ठीक है कि नहीं, ये तो मैंने एक कभी पूछा। मैंने चेक करो ये सिक्योरिटी वाला यहाँ घूम रहे हैं ना, यहाँ पे सिक्योरिटी घूमती रहती है। उस्मान भाई क्या हो गया, आप इतनी देर तो यहाँ शूट मारने आए हो? क्या पता आज वाकई हो गया कुछ। कितने भी बंदे ये व्लॉग देख रहे हो, इंस्टाग्राम इनका ये सामने आ रहा होगा, आप लोग अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे लगाओ और इनको टैग मारो, इनका इंस्टाग्राम यहाँ पे आप लोग नजर आगे जाके फॉलो चलो मारो, शो सम लव, फटी पड़ी उस्मान भाई की फुल। ये चेक करो जी, वहाँ पे खड़ी हुई थी और जो उस्मान भाई की गाड़ी है वो इतना दूर करके खड़ी हुई। जिस टाइम बंदे की जान निकल रही होती है या तो वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए, चुपचाप करके सारी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, उस्मान भाई वाला कैसे करते हैं, हाय मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत थी। टोल प्लाजा क्रॉस करके मैं आ गया था और अब बस लाहौर की तरफ जाना है, लेकिन ये वेब का ऑपरेशन करना रह गया, इसका फ्लेवर पता नहीं क्यों गिरा है। मसला ये है कि वेब के बगैर गाड़ी चलती है तो फ्लेवर पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया इसका। खैर ये चीज़ें तो मिल गई है, जो फ्लेवर है वो मेरे ख्याल से डैशबोर्ड के अंदर पड़ा हुआ है। ओ भाई फ्लेवर यहीं की पड़ा होगा इसका, ये रहा। कल रात को I8 से पकड़ा था, इसको बस फिल करते हैं उसके बाद फिर निकलते हैं। फ्यूल भी इसका उस्मान भाई फुल करवा रहे थे, टायरों की हवा सब कुछ सेट हो गया था। नाउ लेट्स गो। 4 आवर्स लेटर गाड़ी गुजरेगी। फाइनली लाहौर में पहुंच गए, ऊपर घर जाके नहा धो के वापस आ गया हूँ। जी का ये सीन है कि इसकी इंजन की आवाज पूरी चेंज हो गई। आधे घंटे के बाद पुलिस वालों ने मुझे जाने दिया, वहाँ पे खड़े होकर बातें शाते करते रहे, क्या ये वो। सोसाइटी में एंटर होती मैं पटाखे मारने लग गया हूँ, तो अब हीटअप हुई भी थी ऊपर से, फिर मैं इस पे मैनुअल पे करके इस पे चलाए जा रहा हूँ पटाखे लग रहे, आवाज़ बहुत प्यारी थी। लेकिन अब खड़ी हुई ना ग्रर इस तरह की आवाज़ आ रही, बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही। अब करना ये है कि घर को बाहर निकालते हैं। यार कैसी हो जी,
लॉन्ग टाइम नो सी। बाहर निकालते हैं हम लोग, जी को अंदर खड़ा करते हैं, ठंडी हो जाए, ठंडी होने के बाद मे भी आवाज सही हो जाए, अगर ना आवाज ठीक हुई तो फिर एक नया रोला स्टार्ट। वल्लाही पेट्रोल हद से ज्यादा महंगा हो गया, पहले तो फील नहीं होता था ना 16,000-18,000, अब सीधा जी के अंदर 25,000 रुपए का फ्यूल भरा है। या तो गाड़ियों को घर के अंदर खड़ा करके ऊपर आराम से घर में बैठो, या तो पाकिस्तान से भाग जाओ, यही हालात नजर आ रहे हैं, यही करना पड़ेगा। बहुत लंबे अरसे के बाद इन दोनों की मुलाकात आज फाइनली हो गई है। एक महीने का टाइम पीरियड था ये दोनों जुदा हुई हुई थी, ये इसे देख रही है और ये इसे देख रही है। स्केयर बी लाइक, हाँ भाई सुनाओ क्या हाल है, और ये अरे समझ रहे हो शबाब, ये वही जगह है जहाँ पे पिछले एक साल से व्लॉग की एंडिंग हो रही है, शायद आप पुराने सब्सक्राइबर्स को याद होगा। एंड होप्स हो कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। सच बताऊँ तो ये चैलेंजेस और प्रैंक वीडियोस वगैरह करने का अलग ही मजा है। ओ भाई सबर सबर कर जो, चलते हैं, अब तुम्हें टाइम देने में टेंशन नहीं लो। तो नॉर्मल व्लॉग्स वगैरह होते हैं वो बना के मेरी बस हो गया, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, खुद मुझे मजा आता है। तो आप लोगों ने इस व्लॉग के ऊपर 30,000 लाइक्स कंप्लीट करने और कमेंट्स में बताना है कि नेक्स्ट चैलेंज या नेक्स्ट प्रैंक वीडियो हमें कौन सी बनानी चाहिए, जिसके ऊपर ज्यादा लाइक शाइक्स होंगे वो ट्राई करेंगे। लेकिन 30,000 लाइक्स इस ब्लॉग के ऊपर गाड़ के रख दो, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, मेरी बस होगी, रात के 12 बज रहे हैं, सुबह उठ के जुम्मा भी पढ़ने जाना हम लोगों ने, तो लाइक शेयर मार देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होती है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।